अभी का रिव्यू हम करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की एवेंजर एंड गेम्स, और इस रिव्यू के अंदर आपको इतना सा भी स्पॉइलर नहीं मिलने वाला। 11 साल की एमसीयू की मेहनत, 22 से लेके 25 सुपर हीरो मूवीज और 26 से लेके 30 सुपर हीरोज और बिलियन फैंस मिल के सपोर्ट के बाद हमारे सामने आती है एवेंजर एंड गेम्स। इस रिव्यू के अंदर मैं बात करूंगा कि मुझे क्या फील हुआ है मूवी देख के आने के बाद। मैं बिल्कुल भी आपको स्पॉइलर्स नहीं दूंगा। शुरू करते हैं इस मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला, इस मूवी के अंदर 22 से लेके 25 जितनी भी एमसीयू मूवीज आई है अभी तक, उसमें से अगर सबसे ज्यादा मैं पेट पकड़ के हंसाऊं तो वो इस मूवी के अंदर। एक क्या ह्यूमर डाला है इस मूवी के अंदर, मतलब हर एक कैरेक्टर की नब्स को ऐसे पकड़ा है ना बराबर, और उसके अंदर ह्यूमर कैसे निकाला है वो रूसो ब्रदर्स ने बहुत ही बेस्ट किया है। दूसरा, इसका इमोशनल राइड। 3 घंटे तक आप ऐसे रोलर कोस्टर पे बैठे हैं जहां पे रूसो ब्रदर्स आपको हंसाएंगे, रुलाएंगे, आपको ऐसे इमोशनल राइड पे लेके जाएंगे कि आप अपने लाइफ टाइम तक इस मूवी को याद रखेंगे, क्योंकि ऐसी मूवीज 5 से 10 साल में एक ही बार आती है जो सदियों तक याद रह जाती। तीसरा, कैरेक्टर बिल्डअप। क्या कैरेक्टर बिल्डअप किया है, मतलब आप एक आदमी को इतने सालों से जानते हो लेकिन फिर भी जब वो हार जाता है, वो टूट जाता है, उनकी यूनिटी टूट जाती है, उसके बाद वो फिर से कैसे फॉर्म होते हैं वो इस मूवी के अंदर बेस्ट दिखाया। हमें बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं लगती है ये मूवी, परफेक्ट मूवी। नंबर 4 पे है विजुअल ट्रीट। इसके CGI इतने बेस्ट है और हर एक कैरेक्टर का एक्शन सीक्वेंस इतना मस्त है कि मैं स्पीचलेस हूं एकदम। नंबर 5 पे है कनेक्टिंग द डॉट्स। इस मूवी के अंदर कोई भी मार्वल फैंस निराश होके नहीं निकलेगा, क्योंकि हम सब कनेक्ट हुए हैं मार्वल से, क्योंकि हमें कोई ना कोई एक सुपर हीरो बहुत फेवरेट लगता है। इस मूवी ने पूरी तरह जस्टिस दिया है सभी सुपर हीरोज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाव मोमेंट्स। इतने सारे वाव मोमेंट्स है इस मूवी के अंदर कि आप बस ऐसा फील होते रहेगा आपको कि ये खत्म ही नहीं होना चाहिए। मूवी वाव मोमेंट्स पॉसिबल हो पाया है क्योंकि कई सारे सुपर हीरो से हम इमोशनली बहुत ही कनेक्टेड है, अटैच्ड है। और आप लोगों को थिएटर छोड़ने के पहले बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा कि मेरे सुपर हीरोज को जस्टिस नहीं दिया गया है। आप सभी को सेटिस्फाई करके एमसीयू बाहर भेजता है। आइए बात करते हैं इस मूवी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। नेगेटिव पॉइंट्स, 11 साल से पूरी की पूरी एमसीयू यूनिवर्स, बिलियन फैंस और कई सारे सुपर हीरोज लगे पड़े हुए हैं और आपको नेगेटिव पॉइंट मिलेगा इसमें? एक नेगेटिव पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। मैं इस मूवी के बारे में कल से कुछ पढ़ रहा था और मैंने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जाने इस मूवी के बारे में। रूसो ब्रदर्स इतने ज्यादा डेडिकेटेड थे जो कि डायरेक्टर है इस मूवी के, 3 घंटे की ये मूवी बनाई है इन्होंने, उनका डेडिकेशन तो देखो, स्पॉयलर्स ऑडियंस तक ना पहुंचे उसके लिए उन्होंने कितनी मेहनत की। जो थैनोस के साथ फाइट सीन्स है, हीरोज के बीच में जो फाइट सीन्स है, उसको इन्होंने रीडायरेक्ट किया है। मतलब हर एक हीरो को कहा गया है कि तू लड़ थैनोस से, फिर बोला कि तू भी लड़ थैनोस से, फिर बोला तू भी लड़। अब मैं डिसाइड करूंगा, रूसो ब्रदर्स डिसाइड करेंगे कि हमको किसका क्लिप डालना है मूवी के अंदर, ताकि सब हीरो कंफ्यूज रहे कि यार हुआ क्या था। और दूसरा फन फैक्ट, किसी भी हीरो ने अभी तक मूवी को पूरा देखा ही नहीं था। मतलब इसके प्रीमियर के टाइम पे ही सभी हीरोज ने, सभी मार्वल के कैरेक्टर्स ने इस मूवी को फर्स्ट टाइम स्क्रीन के ऊपर देखा और तब उन्हें पता चला, अरे ये तो बचा ही नहीं, अरे ये तो मरा ही नहीं, अरे मैं तो मरा ही नहीं, अरे मैं तो मर गया। ये सारा रिएक्शन सभी हीरोज का प्रीमियर के टाइम पे ही हुआ। इस मूवी का कोई भी स्पॉइलर बाहर ना निकले, इसलिए रूसो ब्रदर्स ने अपना जो पूरा स्टाफ होता है ना मूवी का, कई बार चेंज किया, और कई बार स्टाफ चेंज करने से ना उन्हें आधी अधूरी ही स्टोरी पता रहती थी, क्योंकि वो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस मूवी का ट्रेलर। ट्रेलर के अंदर भी आप लोगों को 50% ट्रेलर तो ओल्ड मूवीज में से, ओल्ड एमसीयूज में से निकाल के दिखाया है, और कुछ जो ऐसे क्लिप्स दिखाए आपको ट्रेलर के अंदर वो भी पूरी तरह ओपन नहीं करती है मूवीज को। तो रूसो ब्रदर्स ने इतना बेस्ट जॉब किया है, जस्टिस दिया है सभी 11 साल की मार्वल फैन फॉलोइंग को। मैं इस मूवी को 5 out of 5 star देना चाहूंगा, क्योंकि ये मूवी हर एक स्टार को डिजर्व करती है। अगर आप हमारा वीडियो यहां तक देख चुके हैं तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि ऐसे ही जेम्स और कोहिनूर हीरो को रिव्यूज करके हम आपके सामने लेके आए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर।